हेलो जी, एग्जैक्टली 30 मिनट पहले मैं यहाँ पे वाने में पहुँचा हूँ। डेरा इस्माइल खान से मेरा ट्रेवल था तकरीबन 3.5 घंटे का। तो मैंने आपको बताया था वजीरिस्तान दो पोर्शन में डिवाइड है, मसूदों का इलाका और वजीरों का इलाका। तो वजीरों के इलाके में मैंने पिछला व्लॉग बनाया था और वो हम सिर्फ नरे तक जा सकते थे, वहाँ से रास्ता बंद था तो हम नहीं जा सकते। तो अभी मुझे मौका मिला है, आई विल बी गोइंग टू वजीरों का इलाका शकाए। मेरे साथ आज है कैसर और साथ में मेरे मामू ईद मोहम्मद और साथ में मेरे दूसरे मामू दीन मोहम्मद और मेरे तीसरे मामू डॉक्टर मोहम्मद साहब नूर मोहम्मद साहब। तो अभी हम जाएंगे शकाई की तरफ, तो वहाँ पे जो प्यारी प्यारी जगह हैं टूरिज्म के लिए जो खूबसूरत हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो लास्ट टाइम मैं जब आया था तो इसी जगह पर आया था, इसी जगह नहीं पर बल्कि मैंने वीडियो वहाँ से शूट की थी। ये जगह है ना रेब काइंड ऑफ पतला पानी, ये मेन जगह थी। यहाँ पे टूरिस्ट जो आते थे, यहाँ के लोकल जो टूरिस्ट होते थे वो यहाँ पे आके अपने साथ खाने पीने के सामान लेके लाइक वो ईद और खुशी के मौके पे यहाँ पे इंजॉयमेंट करते थे। और वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो है कोटकोल, ये इस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी है। बहुत ज़्यादा हाइट इसके, कम से कम मैं कहता हूँ 7-8 हज़ार फुट हाइट होगी इसकी। और आप खुद देख सकते हैं कितनी स्नो पड़ी है वहाँ पे टॉप पे अभी भी। तो दूसरी बात जो है वजीरिस्तान में रोड्स की बात, कि वहाँ पे आप रोड्स आपको किस तरह मिलेंगे, गाड़ी आपकी चढ़ सकती है या नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि काराकोरम हाईवे के अलावा जो अगर दूसरी कोई खूबसूरत रोड है यही है वजीरिस्तान में जितने रोड्स हैं। इसके अलावा काराकोरम हाईवे है खूबसूरत, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा खूबसूरत है ये रोड। वैसे मेरा भी ताल्लुक वजीरिस्तान से है, तो एक वजीरिस्तानी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वजीरिस्तानियों की तरह गेटअप करूँ। सो आई एम लुकिंग लाइक अ कम्प्लीट वजीरिस्तानी नाउ। सो ये है पॉइंट, उस साइड पे होता है सारा मसूदों का इलाका और खूबसूरती उस तरफ भी बहुत ज़्यादा है। और इस तरफ लेफ़्ट पे आप देखेंगे ये सारा जो है ये वजीरों का इलाका है, और वो सामने जो है वो शकाई की वादी शुरू हो जाती है। इधर से ऊपर जाएंगे सामने जिस पहाड़ पर बर्फ़ नज़र आ रही है वो है मसारदीना, जो कि काइंड ऑफ कह सकते हो टंडियानी की तरह खूबसूरत जगह है। बहुत हाइट पे वो जगह है, छोटी सी पहाड़ी है। और तभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम उस तरफ जाएं इस तरफ जाएं, क्योंकि उस तरफ बर्फ़ कम है और इस तरफ ज़्यादा है। तो अभी हम मौजूद हैं शकाई के इलाके में, वादी है शकाई में। ये जो कहते हैं नज़र आ रही है हमारे कहते हैं सही है। और उधर से जो पुराना दरख्त है मुझे भी याद है, बहुत पुराना दरख्त है, मेरे परदादे के टाइम का दरख्त है वो। वजीरिस्तान में लोग आने हुए डरते हैं कि दूसरे इलाके के लोग हैं वो नहीं जा सकते, सिर्फ वजीरिस्तान के अपने लोग ही जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसर हमारे साथ मौजूद है, कैसर सुना क्या सीन है तेरा? बिल्कुल अल्लाह पाक करेंगे, बहुत अच्छी जगह है। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग आए क्या मरी मरी क्या मरी करते हैं यार आप लोग। वजीरिस्तान आओ एक बार, वजीरिस्तान देख लो। अच्छा, तो अभी हम आ गए शकाई के बाज़ार में। शकाई में यहाँ पे इस बाज़ार को वैसे कहते हैं सुरुई। सुरुई तो वैसे एक स्टैंड का होता है जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है, बट ये एक बाज़ार ही है छोटा इनका। तो यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ जो है इनके शकाई बाज़ार में वो है चा पकौड़े, बिलाल के पकौड़े। शकाई में मुझे एक ऐसे बंदे मिले हैं जो कि वजीरिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते बट यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, और वो बिज़नेस कम टाइम से भी नहीं, 40 सालों से यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। और वो खटक हैं, और वो कम से ना ताल्लुक था करक करक से उनका ताल्लुक है, लेकिन 40 सालों से यहाँ पे बिज़नेस कर रहे थे। तो यहाँ के लोग तो ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, जिससे भी मैं मिलता जा रहा हूँ वो कहते जा रहे हैं कि हमारे साथ आज रुक जाओ, हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, आप हमारे साथ रह लें। और अब मैं एक्चुअली रहना नहीं चाहते, हम बहुत लेट हो जाएंगे, हमें वापस भी जाना है। उससे पहले हम जरा बिलाल के पकौड़े चख लेते हैं किस तरह के पकौड़े हैं।
तो शकाई के रास्ते से हम दोबारा शकाई के रास्ते से वापस नहीं गए, तो हम आ गए दूसरे मसूदों के इलाके की तरफ से। अभी ये जो पहाड़ी है ये है मेरे ख्याल से कुंडसराय, ये मसूदों की पहाड़ी है और यह सबसे ऊंची पहाड़ी है मसूदों की तरफ से। वो वाली जो थी वो कोटकोल थी और वो वाना की तरफ जो वजीरों का इलाका था वो सबसे ऊंची पहाड़ी थी वजीरों की। तो यहाँ पे अभी इतनी स्नो पड़ी हुई है, ये जिस साइड पे धूप नहीं लग रही वो पड़ी है, बाकी जो थी वो मेल्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी ये तकरीबन एक दो हफ्ते पहले ही हुई है और मेरे ख्याल से पूरे एक हफ्ते तक कोई चांसेस नहीं है स्नो होने के। तो अभी हम ज़रा वापस चलेंगे, टाइम लेट हो रहा है, बाकी का व्लॉग जो है ना कल शूट करेंगे दूसरी साइड का।